में भी मुहर लगा, मोकामा में भी। जब माननीय नीतीश कुमार जी जदयू के दल से उनके उम्मीदवार लड़े थे तो 37,000 वोट से हारे थी, और आज भारतीय जनता पार्टी अकेले 16,000 पर सिमटा दिया, 63,000 वोट प्राप्त करके माननीय नीतीश कुमार जी के साथ सात दलों के गठबंधन महागठबंधन चुनाव हार गया। मोकामा में महागठबंधन की सरकार चुनाव नहीं जीती है, वहां छोटे सरकार अनंत बाबू व्यक्तिगत अपने काम और जेल जाने के सहानुभूति के बदौलत जीते हैं। संदेश मोकामा का साफ है, प्रशासनिक गड़बड़ी, अराजकता, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग के बावजूद भी वहां की जनता बीजेपी पर विश्वास की है, और उसका परिणति है कि आज 63,000 वोट लाके जीत के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ जनता के भावनाओं का, जनादेश का सम्मान करती है। मोकामा गोपालगंज के जनता के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। दो महत्वपूर्ण चीजें हमको लगता है कि आपको बताना चाहिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि गोपालगंज की महाजनता ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया, जबकि सामने में सात पार्टियों का कीचड़ फैला हुआ था और उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया, तो मैं गोपालगंज की महाजनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। दूसरा है कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि 2020 के चुनाव में जब वो एनडीए के पार्ट थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि अब हम चुनावी राजनीति से बाहर हो रहे, और बिहार की जनता ने इसको गांठ बांध कर रखा है। गोपालगंज की जनता और मोकामा की जनता ने यह तय कर दिया, जो रिजल्ट आए तो यह स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए, ये अप्रासंगिक हो गए। हम लोग बार बार कहते थे कब उनके पास कोई वोट नहीं है, न राजनीतिक विचारधारा है,